आज हम फिल्टर्स को क्लासिफाई करेंगे, फिल्टर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो हम फिल्टर्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन सीरीज एंड शंट आर्म इम्पिडेंसेज Z1 एंड Z2। मतलब इसके सीरीज में जो इम्पिडेंस लगा है और शंट में जो इम्पिडेंस लगे हैं, जिनमें जिन्हें हम Z1 एंड Z2 कहेंगे, उनके बीच क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के बेस पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो तरीके में। एक को कहते हैं हम कांस्टेंट के फिल्टर, या इसे प्रोटोटाइप फिल्टर भी कहते हैं। तो चाहे प्रोटोटाइप फिल्टर पूछे आपसे, चाहे कांस्टेंट के फिल्टर पूछे, दोनों एक ही है। दूसरा होता है एम डेराइव्ड फिल्टर, एम डेराइव्ड फिल्टर्स। तो कांस्टेंट के फिल्टर और एम डेराइव फिल्टर, ये किस बेसिस पर हमने डिसाइड किया हुआ है या इसको क्लासिफाई किया है, Z1 और Z2 सीरीज और शंट में जो इम्पिडेंसेज हैं उनके बीच क्या रिलेशन है उस बेसिस पर, ठीक है। और भी तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि लो पास फिल्टर, जैसे हमने बताया था अभी कि फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम इसको लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर या बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ठीक है, बैंड रिजेक्ट फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला, कांस्टेंट के या प्रोटोटाइप फिल्टर्स। कांस्टेंट के सेक्शन फिल्टर, या इसे प्रोटोटाइप फिल्टर भी कहते हैं। तो मैंने बताया था कि इसको किस बेसिस पर, जिस बेसिस पर हमने इसको क्लासिफाई किया है वही बेसिस पर इसको हम डिफाइन भी करेंगे। हम कहते हैं कि कोई भी टी सेक्शन या पाई सेक्शन का वह फिल्टर, टी सेक्शन या पाई सेक्शन से बना फिल्टर जिसमें सीरीज और शंट इम्पिडेंसेज, मान लीजिए सीरीज और शंट इम्पिडेंसेज को हमने Z1 और Z2 से दिखाया, तो Z1 और Z2, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हो Z1 और Z2 का, ये इक्वल टू हो R0² के। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हो तो ऐसे फिल्टर्स को हम कहेंगे कांस्टेंट के फिल्टर या प्रोटोटाइप फिल्टर। अब बात आती है कि यहाँ पर R0 क्या है। तो यहाँ R0 एक रियल कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट, और ये एक रेजिस्टेंस है जो कि फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट से फ्री है। रेजिस्टेंस है जो कि फ्री फ्रॉम फ्रीक्वेंसी इफेक्ट, इसका फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट मीन्स इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, किसमें, R0 में। और इस R0 को हम कहते हैं इस सेक्शन का डिजाइन इम्पिडेंस, इट इज़ नोन एज डिजाइन इम्पिडेंस ऑफ द सेक्शन, डिजाइन इम्पिडेंस R0 को। सबसे पहली बात हमने कहा Z1 और Z2 सीरीज या शंट एडमिट इम्पिडेंस हैं किसी फिल्टर के, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर R0² के बराबर हो तो ऐसे फिल्टर्स को प्रोटोटाइप फिल्टर या कांस्टेंट के सेक्शन फिल्टर कहेंगे। जहां R0 क्या है, R0 कोई एक रियल कांस्टेंट है जो कि यूजुअली रेजिस्टेंस होता है, और ये फ्री फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टर्म होता है, फ्रीक्वेंसी का कोई टर्म इसमें नहीं होता है। और साथ साथ इस R0 को हम क्या कहते हैं, डिजाइन इम्पिडेंस कहते हैं सेक्शन का, ठीक है। और वो जब कोई फिल्टर इस रिलेशन को फॉलो करता है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट के फिल्टर, ओके। अब ये कांस्टेंट के फिल्टर्स कई तरीके के हो सकते हैं। कांस्टेंट के लो पास फिल्टर हो सकता है, एक एक करके हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसको हमने क्लासिफाई किया है फर्दर, कांस्टेंट के लो पास फिल्टर और कांस्टेंट के हाई पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्या होगा कि ये एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करेगा और उससे अधिक की फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए एल और सी का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन, ये टी सेक्शन और ये पाई सेक्शन का यूज करके, यहाँ पर देखिए एल सीरीज में लगा होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था। इसी तरीके से हाई पास फिल्टर होगा, ये क्या करेगा, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी के हाई के सिग्नल को पास करेगा
और उससे कम के फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को स्टॉप करेगा। तो यहाँ पर देखिए सीरीज एलिमेंट आपका ये टी सेक्शन है और ये पाई सेक्शन, सीरीज में आपका कैपेसिटेंस होता है। इसी तरीके से आपके बैंड पास फिल्टर होता है, जो कि क्या करता है कि एक निश्चित बैंड को पास करता है। सिर्फ मान लीजिए F1 से F2 इस निश्चित फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को ही हम सोचते हैं पास करें और बाकी को ब्लॉक करें। ओके, तो इस तरीके के फिल्टर क्या कहते हैं, बैंड पास फिल्टर। एक निश्चित बैंड को पास करना, निश्चित बैंड को पास करना, बाकी को रिजेक्ट कर देना। तो यहाँ पर इसका जो एक ये टी सेक्शन और ये पाई सेक्शन के रूप में इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है। यहाँ पर टी सेक्शन में देखिए एल और सी का कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है, और यहाँ पर यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और यहाँ पाई वाले में यहाँ पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, ये बैंड पास फिल्टर है। इसी तरीके से लास्ट वन बैंड स्टॉप फिल्टर। तो ये बैंड स्टॉप फिल्टर क्या करेगा कि वो एक निश्चित बैंड को स्टॉप करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए एक निश्चित बैंड है F1 से F2, इस पूरे के पूरे बैंड को स्टॉप कर रहा है, बाकी को पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है टी और पाई सेक्शन का यूज करके। यहाँ पर आप देखिए सीरीज आर्म में पैरेलल कॉम्बिनेशन है एल और सी का, और यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, टी एंड पाई सेक्शन। ओके, तो ये थे डिफरेंट टाइप के जो आपके प्रोटोटाइप फिल्टर्स थे, उनमें आपने देखा कि हाई पास, लो पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप चारों तरीके के पॉसिबिलिटीज संभव हैं। अब हम चलिए एक एक करके इसकी एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लो पास फिल्टर, जैसे हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लो पास फिल्टर। तो हम एनालिसिस करते हैं लो पास फिल्टर की, एनालिसिस ऑफ लो पास फिल्टर, एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टेंट के लो पास फिल्टर या प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर, प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर। ठीक, तो इसका टी सेक्शन बनाइए, पाई सेक्शन भी बन सकता है, टी सेक्शन बन सकता है, टी सेक्शन बनाते हैं हम लोग, अभी हमने बनाया भी था। ये आपका इसको L1, L12, L/2 ये, और इसको सी, ये टी सेक्शन है। इसी तरीके से पाई सेक्शन भी हो सकता है। पाई सेक्शन कैसे बनेगा, एल पैरेलल में कैपेसिटेंस, ये सी बाई टू होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सी बाई टू, टू सी नहीं होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू होता है 1/j ω c। तो जब हम एक्स सी अपॉन टू टू एक्स सी करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, सी अपॉन टू हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इसी वजह से हमने यहाँ पर सी अपॉन टू किया हुआ है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले जो जेड वन है उसकी वैल्यू क्या है, j ω L, यही है ना इंडक्टर, तो j नोटेशन हम यूज करेंगे, जेड वन इक्वल टू j ω L। जेड टू की वैल्यू क्या है, 1/j ω c होता है ना जेड टू, ये कैपेसिटर के लिए अगर हम इंपेडेंस की बात करते हैं। ठीक, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, j से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर, तो हो जाता है -j/ω c, तो चाहे जो लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जेड वन जेड टू हो गया। तो आप सबसे पहले देखिए जेड वन इंटू जेड टू की वैल्यू क्या है, जेड वन की वैल्यू है j ω L, जेड टू की वैल्यू 1/j ω c, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जेड वन और जेड टू की वैल्यू क्या आ गई, L/c। और ये L/c क्या फ्रीक्वेंसी इसमें है, कोई ओमेगा दिख रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी दिख रही है, नहीं, तो इसको हम r0 के बराबर लिख सकते हैं कि ये r0 स्क्वायर के बराबर है, जहां पर r0 क्या है, r0 इक्वल टू √L/c। ओके, और ये एक लो पास फिल्टर है। चलिए हम इसके एनालिसिस करते हैं। टी सेक्शन है, मान लीजिए पहले हम टी सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, तो टी सेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस Z0 क्या होती है, Z0 होती है √Z1² / 4 +Z1 Z2, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सिमेट्रिकल सेक्शन में। तो आप क्या करिए, इसकी वैल्यूज रख दीजिए, तो यहाँ से Z1 की वैल्यू क्या है, j ω L, स्क्वायर करेंगे तो -ω² L² / 4। ओके, और Z1 Z2 की वैल्यू क्या है, Z1 Z2 की वैल्यू L/c +L/c, ये आ गई Z0 की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करिए कि
यहाँ से आप एल अपॉन सी को कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट एल अपॉन सी को कॉमन ले लीजिए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट एल अपॉन सी बाहर ले लीजिए और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एल अपॉन सी कॉमन लिया हुआ है तो बचेगा माइनस, ये पहले इस वाले को लिख लीजिए एल अपॉन सी, तो ये वन बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, एल कॉमन लिया है तो एक ही एल बचेगा और सी कॉमन लिया है तो सी यहाँ बचेगा अपॉन फोर। ओके, ये अंडर रूट एल अपॉन सी आप इसको क्या लिख सकते हैं, आर जीरो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप इक्वल टू आर जीरो अंडर रूट वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी अपॉन फोर, ये किसकी वैल्यू हो गई, जेड जीरो की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं, हमने एक बार अभी डिस्कस भी किया था, अभी पिछले उसमें भी देखा कि जब जेड जीरो रियल होता है तो वहाँ पर आपका पास बैंड होता है, और जेड जीरो इमेजिनरी होता है तो वहाँ पर स्टॉप बैंड होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। चलिए यहाँ पर आप देखिए जरा, इस वाले सेक्शन में जेड जीरो इक्वल टू अंडर आर जीरो अंडर वन पॉइंट वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल से अपन फोर, यहाँ पर आप देखिए कि जेड जीरो इमेजिनरी कब होगा, जेड जीरो इमेजिनरी कब होगा या जेड जीरो रियल कब होगा। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए कि अगर ये जो टर्म है ये एक से जैसे बड़ा होगा जेड जीरो इमेजिनरी हो जाएगा, तो जेड जीरो रियल कब होगा, जेड जीरो टी सेक्शन के लिए तो इसको टी जीरो टी लिख लीजिए, जेड जीरो टी इज रियल, जेड जीरो टी रियल होगा इफ, कब तक, जब तक कि ये वाला टर्म एक से छोटा होगा, जैसे ही एक से बड़ा हुआ ये वन माइनस समथिंग, और माइनस वाला टर्म बड़ा तो अंडर रूट माइनस मतलब जे वाला टर्म आ जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो जेड जीरो टी रियल कब होगा, जब तक कि ओमेगा स्क्वायर एल सी अपॉन फोर लेस देन हो एक से, जहां एक से ज्यादा होगा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी, या इमेजिनरी होगा उल्टे शब्दों में कहें तो क्या होगा, इमेजिनरी होगा अगर ये ग्रेटर देन वन हो। क्लियर, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने कहा एक बार पढ़ा था कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो पास बैंड को स्टॉप बैंड से सेपरेट करती है, पास बैंड को स्टॉप बैंड से सेपरेट करना मतलब जेड जीरो को रियल से इमेजिनरी से सेपरेट करना। तो यहाँ पर जो सेपरेशन हो रहा है जेड जीरो का इमेजिनरी से, वो किस समय पर हो रहा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जब वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी अपॉन फोर इक्वल टू जीरो है, उस समय जो फ्रीक्वेंसी है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ओमेगा सी, ध्यान दीजिएगा ये चीज। ठीक है, या यूं कहें कि जब ओमेगा स्क्वायर एल सी इक्वल टू वन है, कट ऑफ की बात करें, जब इक्वल टू वन है उस समय, भाई ये भी तो कह सकते हैं, जब ओमेगा स्क्वायर एल सी अपॉन फोर इक्वल टू वन है उस समय कट ऑफ वाली सिचुएशन है, कट ऑफ सिचुएशन जो कि पास बैंड और स्टॉप बैंड को अलग कर रही है, रियल जेड जीरो को रियल से और इमेजिनरी से अलग कर रही है। ठीक, तो यहां से आपकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आ जाएगी वो कितनी आएगी, ओमेगा सी स्क्वायर वो आएगी फोर अपॉन एल सी, या यहां से ओमेगा सी की वैल्यू अगर देखें तो आ जाएगी टू अपॉन अंडर रूट एल सी। ओके, और ये ओमेगा सी क्या होता है, टू पाई एफ सी के बराबर होता है, टू पाई एफ सी, तो यहाँ टू पाई एफ सी रखेंगे तो यहाँ से एफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू पाई एफ सी टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ सी इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन पाई अंडर रूट एल सी, ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है। तो आई थिंक आपको यहाँ पर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी समझ में आ गई होगी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी उस इस फ्रीक्वेंसी से, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, पास बैंड होगा, हाफ लो पास फिल्टर है ना, तो पास बैंड होगा एफ सी से लो पास बैंड और उससे ज़्यादा पर स्टॉप बैंड। ओके, अच्छा यहाँ पर जेड जीरो टी क्या था, जेड जीरो टी जो था इसको भी देखिए ऊपर, जेड जीरो टी इसको टी भी कह सकते हैं ना, टी सेक्शन की हम बात करते हैं, जेड जीरो टी की वैल्यू थी आर जीरो अंडर रूट वन माइनस ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर एल सी अपॉन फोर, और एल सी अपॉन फोर की वैल्यू वन अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर हो सकती है, या यहाँ पर इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ओमेगा सी स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा सी स्क्वायर की वैल्यू फोर अपॉन एल सी रखेंगे तो फोर अपॉन एल सी रखने पर ये वही आ जाएगा जैसे ही है, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल है, हमने कोई चेंज नहीं किया। ओके तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई, ये आर जीरो टी इक्वल टू आर जीरो अंडर रूट वन माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर, ठीक है। और अच्छा पाई के लिए क्या होगा, हम जानते हैं कि जेड जीरो टी इंटू जेड जीरो पाई होता क्या है, जेड वन इंटू जेड टू के बराबर होता है, तो जेड जीरो पाई क्या होगा, जेड वन जेड टू अपॉन जेड जीरो टी, ठीक है। और जेड वन जेड टू की वैल्यू क्या आई है आपके यहाँ पर, जेड वन जेड टू की वैल्यू आई है, जेड वन जेड टू इक्वल टू आई है आर जीरो स्क्वायर, हमने यहाँ माना है ना, प्रोटोटाइप फिल्टर तभी बनाया, तो जेड जीरो पाई हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, जेड जीरो पाई इक्वल टू आर जीरो स्क्वायर अपॉन जेड जीरो टी, जेड जीरो टी आपके यहाँ पर निकला हुआ है, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जेड जीरो पाई इक्वल टू आर जीरो स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आर जीरो अपॉन अंडर रूट वन माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। ओके यहाँ पर आप देखिए, इसको हमने यहाँ पर एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी इस एक्सिस पर दिखाई है और इस एक्सिस पर हमने जेड नॉट दिखाया हुआ है, तो सबसे पहले जेड जीरो टी हम ड्रॉ करेंगे, तो जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जब ज़ीरो होगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी बेसिकली, टू पाई एफ कर दें अगर, तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं आर जीरो अंडर रूट वन माइनस एफ स्क्वायर अपॉन एफ सी स्क्वायर, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ओमेगा इक्वल टू टू पाई एफ होता है, तो ओमेगा जब एफ जीरो होगा तो जेड जीरो टी की वैल्यू आर जीरो होगी, ये देखिए आर जीरो है जेड जीरो टी की वैल्यू, और जेड जीरो पाई की भी वैल्यू उस समय आर जीरो होगी, यहाँ पर देखिए ये जीरो होगा तो जेड जीरो टी और जेड जीरो पाई दोनों की वैल्यू आर जीरो होगी, क्लियर। अब एक एक करके देखिए कि जैसे जैसे यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि ये वाला टर्म बढ़ता जाएगा, ये वाला टर्म बढ़ेगा तो ये ओवरऑल टर्म घटता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि जब एफ इक्वल टू एफ सी हो जाएगा और उस समय ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा अंदर, ओके, घटते घटते टोटल टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखिए जेड जीरो टी आर जीरो से घटते 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 एफ सी पर पहुँचा तो जीरो हो गया इसका जेड जीरो का मान, और जेड जीरो पाई देखिए, जेड जीरो पाई क्या है, आर जीरो से बढ़ते बढ़ेगा ये, क्यों, जब आप एफ बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा टर्म घटेगा, घटने की वजह से ये बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाएगा, एक समय आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ओमेगा और ओमेगा सी, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा तो इन्फिनाइट तक चला जाएगा, कब, जब कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी तो इम्पिडेंस इसका जेड जीरो पाई इन्फिनाइट हो जाएगा, ये इसका हमने ग्राफ दिखाया हुआ है जेड जीरो टी और जेड जीरो पाई का, ठीक। अब ये जो फिल्टर होता है इसमें हमने जेड जीरो देख लिया करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, अब इसमें फेज शिफ्ट भी हम देखते हैं कि फेज शिफ्ट क्या होता है, तो हम जानते हैं कि टी सेक्शन के लिए जो गामा के लिए हमने जब डेराइव किया था, तो यहाँ पर हमने एक निकाला था कॉस हाइपरबोलिक गामा इक्वल टू वन प्लस जेड वन अपॉन टू जेड टू, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, ठीक है, तो यहाँ जेड वन और जेड टू की वैल्यूज़ रखेंगे तो यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक गामा की वैल्यू जो आएगी, कॉस हाइपरबोलिक गामा इक्वल टू वन प्लस जेड वन की वैल्यू क्या है, जे ओमेगा एल, जेड टू की वैल्यू है माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, तो ये टोटल आएगा वन प्लस जे ओमेगा एल अपॉन टू इंटू वन अपॉन जे ओमेगा सी, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक गामा इक्वल टू वन माइनस माइनस जे स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी डिवाइडेड बाई टू। ओके कॉस हाइपरबोलिक गामा है, तो कॉस हाइपरबोलिक गामा, गामा गामा क्या होता है, गामा ही होता है अल्फा प्लस जे बीटा के बराबर, गामा क्या होता है, गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, तो गामा की जगह अल्फा प्लस जे बीटा रख दीजिए और इसको ओपन करिए, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक अल्फा
कॉस बीटा प्लस जे साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा। यह पूरा का पूरा टर्म ओपन होगा जब अल्फा और बीटा के टर्म में, इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी अपॉन 2। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको कंपेयर कराइए, ये कॉम्प्लेक्स टर्म है ए प्लस जे बीटा, अल्फा प्लस जे बीटा के टर्म में इसको कंपेयर कराइए, तो यहाँ पर कोई इमेजिनरी टर्म नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इमेजिनरी टर्म है ये जीरो के बराबर है। मतलब साइन, पहले तो ये वाला टर्म, पहले टर्म जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को आप कंपेयरिंग, यहाँ पर हमने क्या किया है, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमने इमेजिनरी और रियल पार्ट को कंपेयर किया, तो कॉस हाइपरबोलिक बीटा की वैल्यू आ गई इतने के बराबर, और इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे तो यहाँ जीरो है, तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट साइन हाइपरबोलिक अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा कंपेयर करने पर, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए, साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज संभव हैं, या तो यहाँ पर अल्फा ज़ीरो होगा, ये वाला टर्म जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, या तो ये वाला टर्म जीरो होगा पूरा तब ये टोटल जीरो में मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा। तो एक केस संभव है कि अल्फा ज़ीरो हो, अटेन्यूएशन जीरो हो, या फिर बीटा की वैल्यू जीरो हो या एन पाई के बराबर हो, एन इंटू पाई। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब अल्फा इक्वल टू जीरो हो, अल्फा इक्वल टू जीरो मान लें, अच्छा अल्फा जीरो कब होगा, अटेन्यूएशन जीरो कब होता है, पास बैंड में ही तो होता है अटेन्यूएशन जीरो, कोई अटेन्यूएशन नहीं होता, हम पास करना चाहते हैं, जब जिस कि, जब किसी को हम पास करना चाहेंगे किसी सिग्नल को, उसमें अटेन्यूएशन नहीं देना चाहेंगे ना, तभी तो अल्फा जीरो होगा। तो जब अल्फा इक्वल टू जीरो होगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, अल्फा इक्वल टू जीरो को वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो कॉस हाइपरबोलिक अल्फा ये वन हो जाएगा, तो यहाँ से कॉस बीटा कितना आ जाएगा, कॉस बीटा आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी अपॉन 2। ओके, कॉस बीटा की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आप सिंपली निकाल सकते हैं, बीटा हो जाएगी कॉस इनवर्स 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी अपॉन 2 रेडियंस, ये फेस शिफ्ट दिखा रहा है, या साइन के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, कॉस बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2, कॉस बीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2, वन वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, बल्कि बीटा अपॉन 2 होगा तो 2 साइन इनवर्स ओमेगा अपॉन ओमेगा सी रेडियंस। ठीक है, ये पास बैंड के लिए है। ठीक, तो अल्फा इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन क्या हुई, पास बैंड के लिए। अब हम देखेंगे बीटा इक्वल टू एन पाई अटेन्यूएशन बैंड में, बीटा इक्वल टू एन पाई रखेंगे जब, तो ये कौन सा बैंड हुआ आपका, स्टॉप बैंड हुआ। तो जब बीटा इक्वल टू एन पाई रखेंगे तो यहां पर बीटा की वैल्यू एन पाई रखेंगे तो यहां पर कॉस बीटा, बीटा की एन पाई रखने पर ये कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस वन कॉस कॉस एन पाई, तो ये प्लस माइनस वन होगी। तो इसको यहां पर रखने पर फिर कंपेयर कराएंगे तो यहां से आपका आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा इक्वल टू टू, ये वाला टर्म, ये माइनस वाला इधर हो जाएगा, टू ये बेसिकली टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर माइनस वन। ये कैसे आया, तो देखिए ये एल सी अपॉन टू है, एल सी अपॉन टू है, इसको दो से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल सी अपॉन फोर हो जाएगा, एल सी अपॉन फोर को यहाँ पर ओमेगा सी स्क्वायर से ले सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको हमने बस ओमेगा सी यहाँ रखा है, तो क्योंकि हम ओमेगा सी की वैल्यू जानते हैं क्या है, ओमेगा सी की वैल्यू होती है फोर अपॉन एल सी, ओमेगा सी स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी। ठीक है,
तो यहाँ से अब आप कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से आपका, इसको कंपेयर कराने पर तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसको ओपन कर सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक अल्फा, इसको आप ओपन करेंगे टू, दो तरीके से ओपन कर सकते हैं, तो आप यहाँ डायरेक्ट लीजिए या इसको टू कॉस हाइपरबोलिक अल्फा बाई टू स्क्वायर माइनस वन से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ओपन करेंगे इसको तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ओमेगा अपॉन ओमेगा सी, अटेन्यूएशन है तो ये निपर में होगा, निपर्स। तो ये स्टॉप बैंड में आप ये पास बैंड में अटेन्यूएशन जीरो और फेस शिफ्ट बीटा, ये स्टॉप बैंड में फेस शिफ्ट एन पाई और अटेन्यूएशन ये। तो इस तरीके से ये इसकी एनालिसिस पूरी होती है। अब हम कोई लो पास फिल्टर डिजाइन करना हो, कोई लो पास फिल्टर का सेक्शन, तो उसको कैसे डिजाइन करेंगे वो देखेंगे, और उसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम देखेंगे, डिजाइन डिजाइन ऑफ लो पास फिल्टर, प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर। तो सबसे पहले तो आपको आर जीरो पता होना चाहिए, और आर जीरो मीन डिजाइन इम्पिडेंस और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ सी, ठीक है। तो अगर आर जीरो और एफ सी पता हो तो आप जानते हैं आर जीरो इक्वल टू क्या होता है, आपने देखा था अंडर रूट एल अपॉन सी होता है, ठीक है। और एफ सी आपने क्या निकाला था, एफ सी निकाला था वन अपॉन पाई अंडर रूट एल सी, ये हमने निकाला हुआ है पीछे, ठीक है। तो इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से एल और सी की वैल्यू निकालेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करिएगा और डिवाइड करिएगा तो यहाँ से एल और सी की वैल्यू एक एक करके आएगी। तो एल की वैल्यू जो आएगी वो होगी आर जीरो अपॉन पाई एफ सी, और सी की वैल्यू जो आएगी वो बस आप यहाँ रख दीजिए, एक एल की वैल्यू तो सी की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, वो आएगी वन अपॉन पाई आर जीरो एफ सी, ओके। तो इस तरीके से एल और सी आपको मिल जाएगा जब आपको पता हो आर जीरो और एफ सी की वैल्यू। एक क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन डिजाइन आ प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर विद आर जीरो डिजाइन इंपेडेंस इक्वल टू 600 ओम एंड एफ सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। तो आपको दोनों चीज़ें दी हुई हैं, आर जीरो दिया हुआ है, एफ सी दिया हुआ है, तो एल और सी निकाल सकते हैं। एल कैसे निकालेंगे, एल इक्वल टू आर जीरो अपॉन पाई एफ सी, ठीक है। आर जीरो की वैल्यू 600 है, 600 बटे 1000 इंटू पाई, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आएगी 191 हेनरी, ठीक है, 191। और सी की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे वन अपॉन पाई आर जीरो एफ सी से, तो इसको आप रखेंगे तो ये आर जीरो एफ सी की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.5304 माइक्रोफेरेट, ठीक है। अब आप इसको क्या करेंगे, डिजाइन करना है, डिजाइन करना है मतलब लो पास फिल्टर डिजाइन करना है। तो आप जानते हैं इसमें सीरीज में एल होता है और शंट में कैपेसिटेंस होता है, एल की वैल्यू क्या आई है 191, लेकिन यहाँ पर एल की वैल्यू है, एल बाई टू यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा 95.5। वन सेकेंड, ये आई थिंक ये यहाँ गलत हुआ है, ये मिली हेनरी होगा ना कि हेनरी, 191 मिली हेनरी, ओके। तो ये हो जाएगा 95.5 मिली हेनरी एल बाई टू, ये एल बाई टू मिली हेनरी, और इसकी वैल्यू 0.5304 माइक्रो फैरेड, ठीक है। इसी तरीके से आप ये टी सेक्शन आपने डिजाइन किया हुआ है, पाई सेक्शन के डिजाइन कर सकते हैं, कैसे करेंगे ऐसे। अब आप यहाँ देखिए ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू अब हो जाएगी एल बाई टू नहीं होता है तो यहाँ हो जाएगा 191 मिली हेनरी, और ये सी बाई टू होता है तो यहाँ पर ये इसको दो से और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 0.2652 माइक्रो फैरेड, ये सी बाई टू होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा जब इसको डिजाइन करिएगा तो फाइनली ऐसा होना चाहिए सेक्शन, चाहे टी सेक्शन हो या पाई सेक्शन।
कहाँ एल है, कहाँ एल बाई टू है, कहाँ सी है, सी बाई टू है, टू सी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये हो गया लो पास फिल्टर का एनालिसिस, प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर का। अगले क्लास में हम लोग हाई पास फिल्टर का एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।